मैं आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। आप सभी को पता है कि जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के लिए वो एक ऑफिशियल सोर्स है, ये आप जानते हैं। एनसीईआरटी जितनी भी बुक हैं वो सारी की सारी ऑफिशियल सोर्स हैं, यानी आधिकारिक स्रोत हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि ज्योग्राफी एंड एनसीईआरटी कौन कौन सी ऐसी एनसीईआरटी हैं जिनके लिए आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी एक बेसिक और ऑफिशियल स्टडी मटेरियल होता है। तो इसमें हम ज्योग्राफी का देख रहे हैं, और ज्योग्राफी में हम पहले देखे हैं इस 6th क्लास के एनसीईआरटी। ठीक है, तो 6th क्लास के एनसीईआरटी पहली है इसमें पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी में सौरमंडल, ग्लोब को पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां और मानचित्र, पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और भार, हमारा देश भारत और जलवायु। तो 6th क्लास के एनसीईआरटी में ये बेसिक करेंगे। और 7th क्लास के एनसीईआरटी में पर्यावरण है, जो आप लोग यूपीएससी में देखते हो एनवायरमेंट। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपका एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट इसमें 9 चैप्टर हैं, रेगिस्तान है ना, पर्यावरण एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश, मानवीय पर्यावरण, प्राकृतिक वनस्पति, जल वायु, बदलती हमारी पृथ्वी, पृथ्वी अंदर यानी पर्यावरण। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में लगभग इसमें 7th क्लास की एनसीईआरटी में 9 चैप्टर हैं। फिर जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसमें रिसोर्स है ना, उसमें संसाधन का टॉपिक है। देखो तो संसाधन का टॉपिक आप लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे और 11th की पढ़ेंगे, लेकिन अब बेसिक है, हम संसाधन क्या है इसमें ये समझेंगे। उसके बाद मृदा संसाधन, भूमि संसाधन, जल संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये सभी संसाधन की बात होगी। और ये क्या है, क्या इनका महत्व है, कैसे इनका संरक्षण किया जाए। तो खनिज और खनिज शक्ति संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, तो ये 8th क्लास के एनसीईआरटी में है, जो इंडस्ट्री के एनसीईआरटी है। फिर हम आते हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी पर, जो समकालीन भारत है। ठीक है, समकालीन भारत, तो 9th क्लास के एनसीईआरटी में क्या है, ज्योग्राफी में भारत का टॉपिक है, भारत का आकार एवं उसकी स्थिति। उसके बाद है भारत का भौतिक प्रदेश, फिर है अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनिंग सिस्टम, इसमें हम नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है एवं जनसंख्या है। तो जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें 6 चैप्टर हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी, संसाधन एवं विकास। फिर हम देखते हैं संसाधन एवं विकास, वन्य वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, फिर खनिज एवं ऊर्जा। मैंने बोला था आपको कि 10th में भी संसाधन को पढ़ेंगे, तो विनिर्माण उद्योग इसमें देखेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं समझेंगे। फिर हमारा आता है 11th एनसीईआरटी। आपको मैं बता दूं कि 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें 2 एनसीईआरटी हैं। एक में तो है आपका भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा है भौतिक भूगोल। ठीक है, तो भारत के भूगोल में भूआकृति विज्ञान यानी भारत की स्थिति पहला टॉपिक है। फिर है संरचना एवं भूआकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा और ये प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। फिर है इसमें भौतिक भूगोल, मूल सिद्धांत, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें हम इसमें भारत के एक भूगोल के विषय में पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में बात करेंगे, और महासागरों के, महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे, खनिज, भूआकृति क्रियाएं, भूआकृति का विकास, वायुमंडल, सौरमंडल, वायुमंडल का प्रसंचरण, वायु में जल यानी वर्षा, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, महासागरीय जल संचलन, पृथ्वी के पर जीवन और जैव विविधता का संरक्षण, तो इसमें हम समझेंगे। उसके बाद है 12th के एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का मतलब है इसमें हम प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र पढ़ेंगे, कि विश्व जनसंख्या पढ़ेंगे, जनसंख्या संगठन, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, परिवहन एवं संचरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसको समझेंगे। फिर 12वें क्लास की एनसीईआरटी एक और है,
भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो देखो 12th के एनसीईआरटी लोग अक्सर बोलते हैं कि जीएस के लिए नहीं है, लेकिन आपके जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जनसंख्या का वितरण, घनत्व वृद्धि एवं संगठन, प्रवास क्या होता है, मानव विकास क्या होता है, मानव बस्तियां, भूमि संसाधन एवं कृषि, जल संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, निर्माण, भारत के संदर्भ में नियोजन, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो ये हमारा 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में, तो आप समझ गए होंगे 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है।